हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि इस वीडियो पर लाइक व कमेंट जरूर करें, क्योंकि जितने लाइक व कमेंट आप करेंगे उतना अमाउंट हम किसी जरूरतमंद बच्चे के इलाज के लिए डोनेट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें, ताकि नए वीडियोज की जानकारी आपको रेगुलरली मिलती रहे। वीडियो से संबंधित सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे सकते हैं। रावण कितना बलशाली था ये बताने की जरूरत नहीं है, उसके जैसा तपस्वी और ज्ञानी आज तक कोई नहीं हुआ, लेकिन अहंकार ने उसके पूरे कुल का नाश कर दिया। रावण परम ज्ञानी के साथ साथ बहुत ही महत्वाकांक्षी सोच भी रखता था। रावण किसी वैज्ञानिक की तरह सोचता था। उसने कुछ ऐसे सपने देखे थे जिसके बारे में शायद आज के युग में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रावण कुदरत के नियमों को ही बदल देना चाहता था। महाज्ञानी रावण भले ही कितना भी पापी रहा हो, लेकिन उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूरी समझ थी। रावण हमेशा से देवताओं और कुदरत के नियमों के खिलाफ था। वह कई ऐसे काम करने वाला था जिनसे दुनिया की पूरी शक्ल ही बदल जाती। अगर रावण अपने इन कार्यों को करने में सफलता हासिल कर लेता, तो आज हम और आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वह पूरी तरह से कुछ और ही होती। आइए जानते हैं रावण के वो अधूरे सपने जिन्हें पूरा कर वह दुनिया बदलना चाहता था। इंसान को मारने के बाद ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन रावण इस नियम को तोड़ना चाहता था, जिसके लिए उसने स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाने की योजना बनाई, जिसकी मदद से जीते जी स्वर्ग तक पहुंचा जा सके। लेकिन इस कार्य को पूरा करने से पहले ही रावण की श्रीराम के हाथों मृत्यु हो गई थी। रावण समुद्र के खारे पानी को भी मीठा करना चाहता था, ताकि दुनिया में कभी भी पानी की कमी ना हो और कोई प्यास ना मरे। लेकिन ऐसा करने से पहले ही रावण की मृत्यु हो गई थी। ये बात तो सभी को पता है कि रावण को सोने बहुत लगाव था। उसने पूरे सोने से जड़ित लंका का निर्माण करवाया था। रावण असली सोने की पहचान के लिए सोने को सुगंधित बनाना चाहता था। रावण चाहता था कि खून का रंग सफेद हो जाए, ताकि उसके द्वारा की जाने वाली हत्याओं का किसी को भी पता ना चल सके। रावण रंगभेद को पूरी तरह मिटाना चाहता था। उसके अनुसार अगर दुनिया में सभी लोग गोरे हो जाएंगे तो कोई भी त्वचा के रंग के आधार पर किसी को कमतर नहीं आंकेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।